एयरपोर्ट जैसा एंट्रेंस भी है यहाँ पर, आप लोग देखो, ये देखो एयरपोर्ट वाला एंट्री गेट भी ऐसे बनाया गया है। वे टू प्लेटफॉर्म 227 यहाँ पे है, और राइट दिखा रहा है फूड कोर्ट, और यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, बहुत सारा फूड कोर्ट है। ये देखो यहाँ से आप लोग देखो कितना अच्छा वॉकिंग बनाया गया है। आप लोग को देखो भाई, दो चपाती, इतना बड़ा बड़ा आपको चपाती मिलेगा इस पे। ये हुआ चपाती, इसको ओपन किए, राइस, ये दाल, दाल तो भाई देख के सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग फ्रॉम बेंगलुरु। सो अभी हम लोग आ चुके हैं SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हो भाई, ये स्टेशन नहीं, आप लोग बोल सकते हो पूरा एयरपोर्ट का लुक बनाया गया है। और ये देखो मेरे पीछे है आई लव बेंगलुरु यहाँ पे। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और आज का हम लोग को जो जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 12246 बेंगलुरु टू हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं SMBT रेलवे स्टेशन, और आज आप लोग बोल सकते हो 1 जनवरी 2023 आ चुका है, और नए साल का ये आप लोग बोल सकते हैं नया ट्रेन ब्लॉग आप लोगों के लिए। ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि अभी जो राजस्थान सीरीज़ है वो अभी चल रहा था, तो इसीलिए ये ब्लॉग जो आप लोग देखोगे ये कुछ दिन बाद देखोगे। और आज है 1 जनवरी 2023, और नए साल में भाई नया ट्रेन ब्लॉग, वो भी भाई दुरंतो एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से हावड़ा जाता है। और अभी हम लोग आ चुके हैं SMBT रेलवे स्टेशन, तो आपको आज मस्त ट्रेन जर्नी आपको दिखाने वाले हैं। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोग बोल सकते हैं ये SMBT जो रेलवे स्टेशन है ना, एकदम न्यूली अभी बना हुआ है, और इसको पूरा बनाया गया है। आप लोग देखो पूरा एयरपोर्ट की तरह लुक दिया गया है। अभी आपको चल के आप लोग को दिखाएंगे रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत बनाया गया, एकदम एयरपोर्ट वाला लुक दिया गया, जैसे एयरपोर्ट होता है ना उस तरह का भाई इसको बनाया गया रेलवे स्टेशन, काफ़ी बढ़िया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अभी जो अपना ट्रेन है वो है 11:20 पे, यहाँ SMBT से जाएगा ये हावड़ा, आपको नेक्स्ट दिन आपको 4:50 में आपको उतार देगा। तो काफ़ी मस्त जर्नी होने वाला है, लगभग 2000 किलोमीटर का जर्नी हम लोग करने वाले हैं बेंगलुरु टू हावड़ा। और दुरंतो एक्सप्रेस है तो आपको तो भाई पता है कितना मस्त ट्रेन जर्नी आएगा, और सारा खाना पीना भाई सारा ट्रेन के अंदर ही मिलने वाला है, सब चीज़ भाई अंदर मिलेगा। हम लोग को पूरा डिटेल आपको करके दिखाएंगे, अगर बेंगलुरु से आप लोग ट्रैवल करने वाले हो दुरंतो एक्सप्रेस में तो पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है आज के इस वाले ब्लॉग में। तो नए साल में भाई नया ट्रेन ब्लॉग आप लोगों की लिए हम लोग लेकर अभी आ रहे हैं, तो चल के आपको दिखाते हैं स्टेशन किस तरह से कितना खूबसूरत स्टेशन अभी बनाया गया है। ये है भाई रेलवे स्टेशन, भाई आपको देख के लग रहा होगा भाई ये रेलवे स्टेशन है, कोई एंगल से भाई मेरे को तो नहीं लगा, हमको तो लगा तो सबसे पहले लगा कि भाई कहीं हमको एयरपोर्ट में तो लेके नहीं आ गया। फिर हम भाई हम यहाँ पे पुलिस यहाँ पर थे CRPF, फिर पूछे भाई हाँ यही SMBT रेलवे स्टेशन है, तो भाई कोई एंगल से भाई स्टेशन नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत है ना भाई, एकदम एयरपोर्ट वाला लुक इसको दिया गया है। एयरपोर्ट जैसा एंट्रेंस भी है यहाँ पर, आप लोग देखो, ये देखो एयरपोर्ट वाला एंट्री गेट भी ऐसे बनाया गया है, और यहाँ पे है आई लव बेंगलुरु भाई बेस्ट। आप लोग रोड्स देखो कितना नीट एंड क्लीन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप लोग देखो आई लव बेंगलुरु, और देखो कैब वो पूरा उस तरह से पूरा एयरपोर्ट वाला ही यहाँ पर ऐसे आके रुकता है। और ये देखो एग्जिट, दो एग्जिट गेट है यहाँ पर और दो एंट्री गेट है, तो चल के आपको दिखाते हैं एंट्रेंस और अंदर का आपको लुक दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर इस तरह से कैब आता है, यहाँ पर आप लोग उतर के अंदर एंटर कर सकते हो। फिलहाल अपना जो ट्रेन है वो अभी आया नहीं है, और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से, को एंट्री गेट है यहाँ पे, दो एंट्री गेट आपको यहाँ मिल जाएगा, दो एग्जिट गेट है उस टाइम, और यहाँ से अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो अगर आपको जो टाइम है ट्रेन का, यहाँ से आप लोग पढ़कर आप लोग जा सकते हो। अभी फिलहाल अपना जो है ना अभी आया नहीं है, अंदर चलते हैं, एंट्री गेट से अंदर एंटर करते हैं। तो ये देखो भाई आज पहला 1 जनवरी है ना भाई, यहाँ पर क्राउड आप लोग देखो, सबको भाई अपने घर जाने के लिए यहाँ पर पूरा खड़े हैं। ये देखो, और ऊपर का आप लोग को लुक दिखाना चाहेंगे, ये देखो पूरा एयरपोर्ट ऐसा लुक इसको दिया गया है, पूरा भीड़ है, पूरा फुल क्राउडेड है आज। और आज जो जर्नी हम लोग करने वाले हैं वो है दुरंतो एक्सप्रेस, तो ये देखो भाई यहाँ पर कितना भीड़ है, यहाँ पर लोगों का आप लोग क्राउड देखो, सब कोई भाई नए साल में अपना घर जाने के लिए एकदम रेडी है। और इस तरह से आपको यहाँ पर एक डिटेल पूरा मिल जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, फूड कोर्ट है क्या क्या है, यहाँ पर आप लोग वेटिंग हॉल ये देखो यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिलहाल अपना ट्रेन आता है ना फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये हम लोग जो आ चुके हैं SMBT रेलवे स्टेशन के अंदर, और यहाँ पर अपना जो आज ट्रेन है वो है दुरंतो एक्सप्रेस जो कि SMBT टू हावड़ा जाता है। अभी फिलहाल अभी अपना ट्रेन है वो आया नहीं है, वो आता है तो फिर आपको बोर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल मिलने वाला है। ब्लॉग को आप लोग पूरा एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, और ट्रेन ब्लॉग्स आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से वीडियो को शेयर भी करना। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और यहीं पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, और जैसे अपना ट्रेन आता है फिर आप लोग उसे मिलते हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं अपना ट्रेन नंबर यहाँ पर लिस्ट हो चुका है 12246 हावड़ा दुरंतो, 11:20 में इसका डिपार्चर है यहाँ से SMBT से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 दे दिया है।
तो अभी ट्रेन आया नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी तो बहुत टाइम है, अभी टाइम आप लोग को दिखाएंगे। टाइम आप लोग देखो, अभी 9:10 हो रहा है और 11:20 में यहाँ से डिपार्चर है, तो अभी काफ़ी टाइम है भाई, आराम से हम लोग वेट करते हैं। ट्रेन अपना आता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, फिर आप लोग से मिलते हैं। ये देखो ऊपर में आप लोग जाओगे तो पूरा फूड कोर्ट मिल जाएगा, एकदम मस्त इसको बनाया गया, चल के आपको दिखाते हैं। ऊपर नीचे में था, यहाँ पे आप लोग जाओगे लेफ्ट साइड तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देखो वे टू प्लेटफॉर्म 227 यहाँ पे है, और राइट दिखा रहा है फूड कोर्ट, और यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, बहुत सारा फूड कोर्ट है। ये देखो यहाँ से आप लोग देखो कितना अच्छा वॉकिंग बनाया गया है, यहाँ से आप लोग 2 से 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ देखो मिरर लगाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ स्टेशन, आप लोग देखो। ये भाई बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्टेशन को भाई एयरपोर्ट ऐसा लुक देने का। यहाँ देखो एकदम फूड कोर्ट है यहाँ पे मस्त, और यहाँ पर आप लोग देखो फोटोज वोटोज सब आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे मस्त बनाया भाई मस्त। पहुंच चुके हैं देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, अपना ये जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस जो कि SMVT 2 हावड़ा जाता है, ये देखो इसका ट्रेन नंबर है 12246 SMVT 2 हावड़ा, और मस्त हम लोगों को साइड लोअर और साइड अपर भाई मिल गया। जर्नी काफ़ी भाई मज़ा आने वाला है, पूरा खाना पीना भाई इसमें आपको मिलता है इस ट्रेन में। फिलहाल अभी हम लोग देख सकते हैं अभी पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और जस्ट बाहर में अपना जो है ना बाहर निकलने का था, और यहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपना जो ट्रेन लग चुका है और गेट भी अपना ओपन हो चुका है, सारा सामान हम लोगों ने अपना रख दिया है। देख सकते हैं पुराना कोच हम लोगों को मिला है ये कोच, और देखते हैं भाई कितना स्पीड भाई ये पिकअप ले पाता है, देख के तो भाई लग रहा है एकदम पुराना वाला कोच हम लोगों को मिल गया। ये देखो यहाँ पर तो हम सफ़र का कोच लगा दिया गया है, देखो भाई दुरंतो को तो एक भी भाई हमको कोच नहीं दिखा है, पूरा हम सफ़र का यहाँ लगा दिया है, ये राजधानी वाला लगा दिया है। तो भाई देखते हैं अब कैसा होता है जर्नी, अब तो जर्नी करने के बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे। और ऐसा तो कुछ यहाँ पे अभी लेने का है नहीं, सारा खाना पीने का इंतज़ाम भाई ट्रेन में आप लोगों को मिलता है, ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विसेज आप लोगों को मिलता है। तो देख सकते हो टाइम अभी हो चुका है 10:47, इसका जो डिपार्चर है यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर है SMVT से भाई 11:20 पे। सारा चीज़ अभी हम लोगों ने अपना लगेज रख दिया है, फिलहाल अभी हम लोग खड़े प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ट्रेन अपना डिपार्ट होता है। फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट तो सर्व नहीं होगा, सीधा आपको लंच ही सर्व होगा और शाम का स्नैक्स फिर रात के डिनर। तो भाई खाना पीना का बहुत ही अच्छा आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर मैनेजमेंट किया जा रहा है, और अभी सारा सामान जो है वो अभी लोड किया जा रहा है ट्रेन के अंदर। तो चलो भाई चलते हैं, अपना डिपार्चर होता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये देख सकते हो ये लोकोमोटिव का नंबर 370 WAP 7 सांतरागाछी का है, ये सांतरागाछी का WAP 7 अपना लोकोमोटिव इसमें लगा है। अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम फ्रंट, और देख सकते हो भारतीय रेल और 370 डीजल लोकोमोटिव WAP 7 सांतरागाछी। SMVT बेंगलुरु से ट्रेन अपना डिपार्ट हो चुका है, टाइम 11:20 एग्जैक्टली टाइम पर पूरा अपना जो ट्रेन है वो एकदम एग्जैक्टली टाइम पर अपना ट्रेन डिपार्ट हो चुका है। मस्त अपना ट्रेन डिपार्ट हो चुका है एकदम एग्जैक्टली 11:20 में यहाँ SMVT बेंगलुरु से। देख सकते हैं मस्त अपना ट्रेन डिपार्ट हो चुका है यहाँ से SMVT बेंगलुरु से, और हम लोग को ये 2 सीट मिल गया था यहाँ पे, एक साइड लोअर और ऊपर साइड अपर 31 और ऊपर 32। ये देख सकते हो अभी हम लोग को नीचे साइड लोअर भाई मिल गया, और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे पानी का बॉटल मिल जाता है ऐसे। आप लोग देखो ट्रेन अपना डिपार्ट हो चुका है SMVT से, ज़्यादा स्टॉप इसका है नहीं, रेणीगुटा विजयवाड़ा विजयनिग्राम भुवनेश्वर हावड़ा, मतलब तीन ही स्टॉप होने वाला है बेंगलुरु से, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे हावड़ा, ज़्यादा इसका स्टॉप है नहीं। और अपना ट्रेन डिपार्ट होने के बाद आप लोग देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे अपना पानी का बॉटल सर्व हो रहा है, और खाना पीना भाई सब ऑन बोर्ड आपको मिलता है। तो देखो यहाँ पे पानी बॉटल पहले आ गया, एक जन का दो बॉटल करके 4 बॉटल हमको मिल गया मेरा और अनु का। हाय अनु, देखो 4 बॉटल हमको अभी मिल गया पानी का बॉटल, अभी देखे टाइम अभी आप लोग बोल सकते हो 11:20 अभी हुआ है, अब तो लग रहा है सीधा लंच ही सर्व होगा। ये देखो मस्त अपना ट्रेन अभी यहाँ डिपार्ट हो चुका है, ये कौन सा बनिया पल्ली। तो चलो भाई जैसे कुछ आता है खाने पीने का फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ट्रेन चले लगभग अभी 1 घंटा हो चुका है, पानी का बॉटल सबसे पहले दिया गया, उसके बाद ये आप लोग देखो मैंगो जूस है, ये मेनिया का गोल्ड मैंगो जूस आपको मिलता है यहाँ पे। तो
तो टाइम आप लोग बोल सकते हो लगभग 11:20 पे वहाँ डिपार्ट हुआ था और एक घंटा अभी होने जा रहा है, इसीलिए भाई अभी अपना मैंगो जूस यहाँ पे सर्व कर दिया गया। अब अपना सीधा लंच ही सर्व किया जाएगा। ट्रेन मस्त अपना स्पीड से भाई 100, 110, 120 की स्पीड से अभी जा रहा है, और जैसा अपना लंच आता है फिर आप लोगों को दिखा दो। वो देखो वहाँ दूर में पहाड़ दिख रहा है, अच्छा खासा स्पीड अभी मेंटेन किया है और इससे भी ज़्यादा भी स्पीड अभी होगा। तो आप लोग बोल सकते हैं अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, एक घंटा का भी जर्नी हुआ है, धीरे धीरे भाई अपना स्पीड और बढ़ते जाएगा ऐसे ही। तो देखो ये मैंगो जूस अभी पीना नहीं है फिलहाल, अपना लंच आता है फिर आप लोग से मिलते हैं। और अनु कैसा लग रहा है, पहले साल का पहला ट्रेन जर्नी? अच्छा है ना, बाबू भी अभी यहाँ सो रहा है ये देखो। तो लंच आता है फिर आप लोग से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर अपना जो है ना लंच सर्व हो चुका है यहाँ पर, और दो हम लोगों ने यहाँ पे नॉनवेज प्लेट ले लिया है। अनु कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? टाइम आप लोग देख सकते हो 1:15 भी हो चुका है और यहाँ पर अपना जो लंच है वो सर्व हो गया। क्या क्या है वो आपको दिखा देते एक बार। ये देखो इसमें रोटी है और काफ़ी गर्म है, एकदम भाई गर्म है। ये रोटी हो गया यहाँ पर, और ये एक बार उसको ओपन कर लेते ना फिर आपको अच्छे तरह से दिखा दे, क्योंकि अभी एक हाथ से व्लॉग और वो खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते पूरा, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो अभी हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया, अपना जो लंच बॉक्स आया था दुरंतो का, अभी हम लोगों ने इसको रिव्यू करके आपको बताएंगे कैसा है। ये आप लोगों देखो भाई, दो चपाती, इतना बड़ा बड़ा आपको चपाती मिलेगा इसमें। ये हुआ चपाती, इसको ओपन किया, राइस, ये दाल तो भाई देख के सही लग रहा है, टेस्ट करके बताएंगे भाई कैसा है। पतला तो है नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा है ही। और ये है चिकन, चिकन ऐसा चाप ऐसा लग रहा है। और देखो ड्राई है इसका मसाला जो है ड्राई है। और इसमें हमको मिला है 3 पीस और अनु को मिला है भाई 2 पीस। तो मतलब इसमें ये तीन ये है ना, ये छोटा छोटा पीस है और उसमें आप लोग देखो बड़ा है इसीलिए 2 पीस है। और इसके साथ आपको मिलेगा मिक्स्ड पिकल और ये है दही, और ये आप लोग देख सकते हो ये दही। तो ये आप लोग देख सकते हो ओवरऑल आपको ये लंच मिलता है दुरंतो का। टाइम आप लोग बोलो 1:10 में आ चुका था, खोलने में भाई ये सबको टाइम लगता है। और थंबनेल भी अपना ले लिया हम लोग, तो चलिए भाई टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। सबसे पहले हम लोग राइस से टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चपाती से टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो चलो सबसे पहले राइस और दाल टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। तो दाल तो देख के गाढ़ा लग ही रहा है, अब उसको टेस्ट करते कैसा है। राइस भी भाई गर्म है, दाल से पहले राइस टेस्ट करते हैं। दाल काफ़ी गाढ़ा है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है और राइस एकदम गर्मा गर्म है ना। और देखो राइस आपको दिखाएंगे, एकदम बासमती वाला राइस मिला है, बढ़िया भाई, फूड क्वालिटी सच में भाई बहुत बेहतरीन है। अब चिकन टेस्ट करते हैं भाई, मेन बात है भाई चिकन को अब टेस्ट करना। चिकन को अब टेस्ट करते हैं, चिकन टेस्ट ही है कि नहीं। यह देखो ये मसाला इस तरह का मिलता है, राइस से पहले टेस्ट कर रहे हैं। मसाला ठीक है, चिकन देखते भाई सॉफ्ट है कि नहीं। चिकन भी भाई सॉफ्ट है, और चिकन जो है वो फ्राई करके इसमें मसाला में डाला हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये राइस, ये दाल में राइस भाई हाथ लगाना पड़ता है, आपको तो पता ही है, बिना हाथ लगाए तो खा नहीं पाएंगे। अब ये इससे खाते हैं। उसमें सॉफ्ट फ्राई करने के बाद तो चिकन ऐसे ही सॉफ्ट हो जाता है, बढ़िया लग रहा है। इस नज़ारे के साथ बैठकर या एंजॉय करें हम लोग खाना, और ये चपाती है तो चलो एक ही बार एंजॉय कर लेते, पूरा इसको खा लेते हैं और उसके बाद फिर अनु से रिव्यू लेंगे कि कैसा लगा खाना। तो इसको फिनिश कर लेते फिर आप लोग से मिलते हैं, लास्ट में दही हम लोग खाएंगे। यहाँ पर आपको चपाती 2 मिलता है, तो चलो इसको पूरा एंजॉय कर लेते लंच, उसके बाद फिर जैसे कुछ आता है फिर आप लोग को दिखाते हैं। और बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा। तो राइस से तो भाई हम लोग टेस्ट कर लिए, अब देखते हैं भाई चपाती, आप लोग देखो भाई कितना बड़ा चपाती भाई, एक ही से भाई पेट भर जाएगा, एक ही आप लोग देखो 2 के बराबर है। तो चपाती से भाई टेस्ट करते कैसे, एकदम गर्मा गर्म आया एकदम। चपाती से भाई चिकन ट्राई करते हैं, खाना को बोले क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छा है। चिकन फ्राई करके इसमें मसाला में दिया गया, दाल भी एकदम काफ़ी अच्छा था, एकदम गाढ़ा वाला दाल आपको मिलता है इसमें, राइस भी गर्मा गर्म बासमती राइस आपको मिलता है। ओवरऑल आपको बोलेंगे खाना में भाई कोई कमी नहीं है और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। तो चिकन भी ट्राई कर ली हम लोग, सॉफ्ट था, दाल भी अच्छा है, राइस भी अच्छा है, चपाती भी अच्छा है।
ये जो दही है ये तो पैकेट वाला दही है, इसके बाद में आपको रिव्यू करेंगे। फिलहाल अभी खाना इंजॉय करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। चिकन राइस से खाओ, चिकन फ्राई करके दिया देखो। कैसा है ग्रेवी? अच्छा है, अच्छा एकदम ग्रेवी वाला है, नहीं हल्का, इसमें आप लोग देखो लाइट ग्रेवी है और ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। इस ग्रेवी वाला क्या होता है ना, वो थोड़ा सा गिरने लगता है ट्रेन जो मूव होता है ना, तो आप लोग देखो लेस ग्रेवी, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। चिकन खा के देखो सॉफ्ट है कि नहीं, फ्राई किया ऑलरेडी भाई ऐसे ही सॉफ्ट होगा, फ्राई करने से एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना, सॉफ्ट है ना पूरा। एक रिव्यू बनाते बनाते ना भाई क्या होता है, जो लंच होता है ना वो ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको अभी इंजॉय कर लेते हैं, ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। एक ही बार खा के फिर आप लोग से मिलते हैं। वो अपना जो लंच करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर जर्सी का यहाँ पे वैनिला का आइसक्रीम मिल गया है, देखो इस तरह का आपको वैनिला आइसक्रीम मिलता है। देखो भाई इतना धूप है कि ये पिघलने लगा, यहाँ पे दही भी ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पर दही भी ऐसे पड़ा हुआ और आइसक्रीम भी भाई अपने पिघलने लगा। तो चलो ये वैनिला आइसक्रीम ट्राई करते हैं, ये है जर्सी का और गोदरेज का जर्सी का ये आइसक्रीम वैनिला आइसक्रीम। अभी ट्रेन पता नहीं कहाँ जोलार पेटी में अभी रुका हुआ है और मस्त अपना लंच हो चुका है। यहाँ देखो मिरर भी भाई इतना क्लीन नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपना इंजॉय करते हैं ये आइसक्रीम और फिर आप लोग से एकदम इवनिंग में ही मिलते हैं जब कुछ आता है। तो मस्त अपना यहाँ पर बिछाएंगे भाई, बेडशीट अपना बिछा कर भाई थोड़ा देर अपना रेस्ट करेंगे अभी। SMBT से लगभग 350 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी इस ट्रेन का आ चुका है पहला हॉल्ट रेनी गुंडा में, जिसका स्टेशन कोड है RU। और आप लोग बोल सकते हो ये अभी यहाँ जो ट्रेन आया है इसका ये पहला स्टॉप है। ये देखो यहाँ पे भाई अपना ट्रेन लग चुका है और टाइम आप लोग बोल सकते हो 5 अभी बज रहा है, लगभग 12 मिनट की डिले के बाद अभी ये आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपना जो है SMBT2 हावड़ा जाने वाला ये दुरंतो एक्सप्रेस। अभी इसके बाद जो सर्व होगा अपना जो शाम का स्नैक्स अभी सर्व होगा। फिलहाल मस्त अभी अपना ट्रेन चल रहा है भाई, 350 किलोमीटर चढ़ने के बाद इस ट्रेन का भाई पहला हॉल्ट आया, मतलब ज़्यादा स्टॉप है नहीं, 4 स्टॉप के बाद ये हावड़ा उतार देगा हम लोगों को। फिलहाल मस्त अपना अभी ट्रेन आ चुका है रेनी गुंडा स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड है RU। सकते अपना SMBT2 हावड़ा जाने वाला अपना जो दुरंतो एक्सप्रेस है आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 रेनी गुंडा स्टेशन में। ये देखो रेनी गुंडा स्टेशन है ये, तो यहाँ से इसका जो हॉल्ट है यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट है ये, 12 मिनट की डिले के बाद अभी पहुँच चुका है यहाँ पर रेनी गुंडा स्टेशन में। तो ये देखो भाई रेनी गुंडा में इसका आने का टाइम था 4:53 में, लेकिन ये आया है 5:07 में और 4 मिनट अभी दिखा रहा है यहाँ पर ये इसका हॉल्ट है, डिले 14 मिनट्स का भी डिले है। इसके बाद इसका स्टॉप है वह है विजयवाड़ा, जो कि रात को 10:10 में आएगा और उसके बाद फिर आएगा विजय नागरम, आंध्रा में पड़ता है। उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर इसका स्टॉप है, फिर उसके बाद सीधा हावड़ा। तो ज़्यादा स्टॉप है नहीं, काफ़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये। सो अभी आप लोग बोल सकते हो जर्नी अपना काफ़ी अच्छा चल रहा है, लंच हम लोग कर लिए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना थोड़ा देर रेस्ट किए और अभी जो है शाम का स्नैक्स भी सर्व होगा। क्या है उस स्नैक्स में तो आपको आने के बाद ही आप लोग को दिखाएंगे। 5 बज चुका है ये ट्रेन जब यहाँ से डिपार्ट होगा, तो उसके बाद फिर अपना स्नैक्स भी अपना सर्व होगा अपने सीट पर। तो क्या क्या सर्व होता है वो आपको दिखाएंगे ट्रेन जब यहाँ से डिपार्ट होता है रेनी गुंडा स्टेशन से, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो 10 मिनट की यहाँ पर हॉल्ट से अपना जो ट्रेन है वो डिपार्ट हो चुका है रेनी गुंडा स्टेशन से और इसका जो स्टॉप है वो नेक्स्ट है विजयवाड़ा, जो कि रात के 10:10 में आएगा। फिलहाल मस्त अपना ट्रेन यहाँ पर डिपार्ट हो चुका है, देखो साफ़ सफाई नीटनेस है एकदम है यहाँ पर और टाइम टू टाइम यहाँ पे नीटनेस क्लीननेस पूरा हो रहा है, यहाँ पर इसको साफ़ किया जा रहा था, फिर जितना भी खाने पीने का जो सामान था उसको सब ठीक किया जा रहा था। अभी जो है वो थोड़ी देर में जो शाम का स्नैक्स है वो सर्व अभी होगा, जैसा आता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो टाइम अभी हो चुका है 6:15 और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आप लोग सनसेट हुआ है और क्या आप लोग देख सकते हो कितना ऑरेंज अभी हो गया है बादल और
और यहाँ पर अपना जो शाम का स्नैक्स है वो भी यहाँ पर सर्व हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है। सबसे पहले ये डाइट चूड़ा मंचौन का, ये सब तो पैकेट वाला, इसको तो रिव्यू करके कोई फ़ायदा है नहीं। और इसमें क्या है भाई, देखते हैं खोल कर इसको, अगर भाई समोसा होगा तो हाँ भाई देखो, तो हाँ भाई देखो इस तरह का आपको यहाँ पर इससे समोसा मिल जाएगा। और भाई भीकाराम का यहाँ पर पहला बार आप देख रहे हैं कि भीकाराम का बॉक्स आप लोग देख सकते हो कितना छोटा बॉक्सिंग किया है, और इसके अंदर क्या है भाई देखते हैं, लड्डू होगा यार। जी हाँ भाई न्यू ईयर है इसीलिए भाई इसमें लड्डू अभी दिया जा रहा है। ये देखो लड्डू हो गया यहाँ पर, ये हो गया डाइट चूड़ा समोसा, ये चाय सामग्री, चाय बनाने के लिए गर्म पानी अभी आएगा, वो गर्म पानी में आपको दिखाएंगे बनाकर। और ये है हेल मैजिक जस्ट जीरा का, तो ये वाला जो चाय सामग्री है ना इसको हम लोग रख देंगे। हम लोगों ने अलग से वाक बकरी का ये इंस्टेंट मसाला चाय हम लोगों ने ये कराया था भाई। ये जो भाई चाय है ना, अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि किस तरह का ये चाय होता है वाक बकरी का। वाक बकरी का भाई एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल, इस ट्रिप में हम लोग इसी का चाय पिए थे, जितना बार भी हम लोग ट्रेन जर्नी की है यही वाला जो वाक बकरी का चाय हम लोग किया थे, चाय हम लोग पिए थे। और भाई ये तो भाई नेक्स्ट लेवल इंस्टेंट मसाला सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है, जिस गर्म पानी में इसको भाई इसको डाल के मिलाएंगे। और ये वाला तो आपको तो पता ही है भाई उतना अच्छा होता नहीं है, तो इसको भाई स्लाइड रखते हैं। ये देखो ये सब तो भाई अभी पैक होगा, समोसा और समोसा लड्डू और चाय, बस अभी शाम का यही स्नैक्स अभी होने वाला है। और अनु कैसा लग रहा है ये ट्रेन जर्नी, मतलब बैक टू बैक खाना ही पूरा सर्व हो रहा है इसमें, लंच हुआ फिर अभी देखो ये तो बहुत पहले सर्व हो गया था, तो हम लोग इसको लिए थे उसके बाद फिर आपको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये समोसा, ये तो बहुत देर पहले आ गया था इसलिए ठंडा हो गया, तो चलते भाई ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं, देख के तो भाई अच्छा ही लग रहा है, ट्राई करके बताते हैं। साउथ से जैसे आ रहे हैं ना, तो इसमें फ्लेवर जो है ना थोड़ा साउथ का आ रहा है, जैसे करी पत्ता हुआ और मसाला में भी पूरा वैसे ही आ रहा है। अच्छा ये जो आप लोग देख रहे हो ना भाई मंचौन का डाइट मिक्सचर, ये तो भाई काफ़ी मस्त लग रहा है समोसे के साथ, आप लोग ट्राई अगर किए हो तो। अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे ये डाइट मिक्सचर, आप लोग देखो इसमें पूरा मिक्सचर इसमें पूरा भरा हुआ है, सब चना बादाम और चूड़ा और भुजिया सारा कुछ इसमें मिला हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये फेल मैजिक का भी खाने का भी मन नहीं है, और यहाँ पे आश्विक भी उठ गया खेल रहा है, तो चलो भाई ये सब ट्राई करते हैं। चाय भी हम लोग बनाएंगे बाग बकरी वाला। हाय हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी हम लोग देख सकते हैं लेके आ चुके हैं यहाँ पे दो गर्म पानी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। ये जो वाक बकरी वाला जो मसाला इंस्टेंट मसाला चाय है, ये हम लोग डाल के इससे मिक्स करके भाई आपको डाल के भी दिखाएंगे ये जो कितना बढ़िया ये चाय बनता है। ये देखो सिंगल सर्व है, 3-in-1 इसमें सारा चीज़ डाला हुआ है। सो देख सकते हो भाई मस्त अपना यहाँ पे चाय रेडी हो चुका है। बाहर वाला जो टिपिंग वाला जो चाय है ना, इस चाय से तो भाई बहुत लाख गुना ये बेटर है वाक बकरी का चाय। सारा इसमें मसाला पूरा डाला हुआ है, इलायची वलायची सारा चीज़ है। तो चलो भाई इसको पीते हैं, और बाबू भी रो रहा है देखो, चलो भाई इसको पीते हैं, फिर जैसे कुछ और कुछ आता है तो फिर वो भी दिखाते हैं हम लोगों को। तो देख सकते हो अभी टाइम हो चुका है 9:30, और यहाँ पर अपना जो है वो डिनर सर्व हो चुका है। तो दिखाते हैं भाई अपना डिनर में आज क्या है, एक बार इसको पहले खोल लेते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा क्या है भाई। चपाती है, रोटी है यहाँ पे, और दही फिर से मिला है यहाँ पे, राइस दाल और चिकन। हम लोग ने दोनों नॉनवेज प्लेट हम लोग लिए हैं, तो हम और अनु दोनों नॉनवेज प्लेट लिए हम लोग, और दोनों में सेम ही रहने वाला क्या है एक बार खोल लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। सो देख सकते हो अपना जो डिनर हम लोगों ने अनबॉक्स कर दिया, यहाँ पर आपको मिलता है इसमें राइस जो कि बासमती वाला राइस है, वही वाला दाल है, और इस बार आपको ऐसे स्पून मिलता है। ये देखो दाल एकदम पूरा गाढ़ा है, दाल ये बढ़िया, सुबह से मेरे को लग रहा है कि ये दाल बढ़िया होने वाला है। ये देखो दाल ऐसा है, और जो चिकन का ग्रेवी है वो इस बार क्या है ना, वो थोड़ा सा ग्रेवी इस बार किया है, और दो पीस आपको चिकन मिलता है। और चपाती आप लोग को दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, आप लोग देखो 3 पीस यहाँ पर आपको चपाती मिलता है, ये भाई छोटा वाला साइज़ है ये सही है। चावल उतना खाते हैं नहीं, बस ये चपाती हम लोग खाएँगे, और फिर आपको इसमें दही और एक पिकल मिलता है, मिक्स्ड पिकल। तो चलो भाई ट्राई करते हैं सबसे पहले रोटी से, और उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं। ओके ओके, अब चिकन का ग्रेवी ट्राई करते हैं।
सुबह वाला था वो फ्राई करके चिकन था, लेकिन आपको इसमें दिखाना चाहेंगे ये चिकन जो है ये नॉर्मली कुक किया गया है और इस तरह से आपको दो पीसेस में चिकन मिलता है। चिकन तो देख के भाई सॉफ्ट ही लग रहा है, ट्राई करते हैं अब इसको। ये देखो चिकन है, ट्राई करते हैं चिकन। चिकन थोड़ा सा च्यू करना पड़ रहा है। सुबह वाला जो चिकन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो फ्राई किया था इसलिए वो अच्छा से एकदम कुक हो गया था, इसको थोड़ा च्यू करना पड़ रहा है। ऑल राइट, सो लगभग 750 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी इस ट्रेन का आ चुका है दूसरावा हॉल्ट और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन। तो अपना मस्त अपना डिनर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। ये आप लोग बोल सकते हैं ये दूसरा हॉल्ट है इसका दुरंतो एक्सप्रेस का, जो कि जा रहा है हावड़ा के लिए। और SMBT से निकलने के बाद इसका दूसरावा हॉल्ट अभी आ चुका है विजयवाड़ा जंक्शन में। चलो देख सकते हो यहाँ पर अपना ट्रेन आ चुका है। ये देखो भाई हम सफ़र का भाई कोच यहाँ पे लगा दिया और मस्त अपना डिनर हो चुका है। डिनर बोलेंगे कि इस बार का जो डिनर अभी सर्व हुआ था ना वो उतना भाई बढ़िया लगा नहीं मेरे को, और जो चिकन था वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। और सुबह वाला जो हम बोलेंगे चिकन वो काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन अभी वाला चिकन भाई एकदम ही नहीं खाया जा रहा था। ना ही चावल हम खाए, ना ही दाल खाए, बस जैसे तैसे खाए हम लोग, आइसक्रीम खाए। अभी हम लोग जा रहे सोने के लिए, बेडशीट अपना पूरा लगा दिए हैं भाई। चल के आप लोग को दिखाते हैं, मस्त अपना डिनर हो गया, जा रहे सोने। काफ़ी गर्मी है आप लोग बोल सकते हो विजयवाड़ा यहाँ पर अभी तमिलनाडु में। तो फिलहाल अभी देख सकते हो यहाँ पे पहुँच चुका है प्लेटफॉर्म नंबर, आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये विजयवाड़ा जंक्शन का। इसलिए अभी जस्ट 5 मिनट का दिखा रहा है, वो तो भाई कवर अप हो ही जाएगा। तो चलो इस वाले ब्लॉग को अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इसीलिए आपको एकदम सुबह से आपको फिर फ्रेश वाला ब्लॉग मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, वो कंटिन्यूशन रहेगा इस वाले ब्लॉग का। तो चलो अभी जाते हैं हम लोग, गुड नाइट। और इस वाले ब्लॉग को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए बाय। पूरा बाइक वो पीछे में बाइक था वहाँ से क्रॉस कर रहा था और घसटते हुए भाई नीचे इसको लेके गया है। सारा अभी चेक किया जा रहा है इसको, उसके बाद ही भाई अभी हम लोगों को लगभग 3 से 4 घंटा भी डिले होने वाला है। ये देखो